हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाप चौधरी और पंचायतों के तालिबानी फरमान के बाद एक बार फिर मुजफ्फरनगर में भी पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया है, जिसमें ग्रामीण युवकों पर जहां हाफ पैंट पहनने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, तो वहीं ग्रामीण युवतियों पर भी जीन्स और स्कर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया। समाज के ठेकेदारों ने पंचायत में दिए गए फरमान का पालन नहीं करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने की भी घोषणा की। ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव-गांव पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। पंचायतों में समाज के ठेकेदार अपना रुतबा और वजूद रखने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, फिर चाहे वो तुगलकी फरमान ही क्यों ना हो। ऐसा ही एक मामला सामने आया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में, जहाँ चरथावल विधानसभा क्षेत्र के गाँव पेपलशाह में मंगलवार दोपहर एक क्षत्रिय पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राजपूत समाज के एक दर्जन से ज़्यादा गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि पंचायत का आयोजन चुनाव आयोग द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव में की गई आरक्षित सीटों के विरोध में किया गया था, जिसमें पंचायत में मौजूद लोगों ने आरक्षित सीटों का विरोध करते हुए ग्राम पंचायत चुनाव व आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार करने का निर्णय लिया। लेकिन कुछ देर बाद ही पंचायत में सामाजिक कुरीतियों को लेकर बहस होने लगी और पंचायत की अध्यक्षता कर रहे ठाकुर पूरण सिंह ने पंचायत में खड़े होकर तुगलकी फरमान का ऐलान करते हुए कहा कि जिस देश और समाज की संस्कृति नष्ट होगी, वो देश और समाज अपने आप समाप्त हो जाता है। उसे समाप्त करने के लिए किसी तोप या बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आज इस पंचायत में सभी जिम्मेदार लोग बैठे हैं, वो सभी इस चीज़ पर पाबंदी लगाए कि इस बार चुनाव में शराब जैसी कोई भी चीज़ लागू नहीं होगी। दूसरी व्यवस्था ये है कि गांव में नौजवान लड़के हैं, वो गांव में हाफ पैंट नहीं पहनेगा। आज के बाद किसी भी गांव में कोई भी लड़का यदि हाफ पैंट पहनकर घूमता मिला तो समाज उसे दंडित करे। तीसरी बात यह है कि हम सभी के घर में लड़कियां हैं और आज हमारी लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, ठीक है उन्हें पढ़ाओ, बिना दहेज के उनका विवाह करो, ये सब ठीक है, लेकिन लड़कियां जीन्स पहनकर या आपत्तिजनक कपड़े पहनकर जाएं, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। इस पर भी समाज एक मत होकर पाबंद लगाए और जो भारत की संस्कृति है और जो हमारी संस्कृति के परिधान हैं उन्हीं कपड़ों का वो प्रयोग करें, ना कि जीन्स टॉप पहनकर गाँव से जाएँ। और अगर स्कूल कॉलेजों में ये व्यवस्था नहीं है तो उन स्कूल कॉलेजों का भी बहिष्कार किया जाएगा। जिन स्कूलों में पैंट स्कर्ट यूनिफॉर्म पहनने की परंपरा है और सरकार सभी गांव में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करे, सभी गांव को सामान्य में करे, जिससे प्रत्येक गांव में सामान्य ओबीसी और एससी वर्ग को चुनाव लड़ने का हक मिले। देखो मुद्दा तो ऐसी है, बात मान लिया सरकार सन 1950 में संविधान हुआ और उसमें सब आजाद हुए। जब आजाद भारत हो गया तो इस आजाद भारत में मात्र राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों करी जा कि लोगों को गुलामियत महसूस हो। आजाद भारत है, सब गांव सब समाज आपस में एक साथ रहने की कोशिश करें। हमारा सवाल ये जो सरकार गांव में आरक्षण लागू करे कि भाई ये एससी वर्ग में चला गया, ये ओबीसी वर्ग में चला गया, ये सामान्य वर्ग में चला गया, मतलब एक बड़े तबके को चुनाव को लड़ने से रोकने का षड्यंत्र सरकार मात्र वोट लेने के लिए करे, तो सरकार ये समझे कि कोई नहीं चाहता कि गांव में प्यार ना रहे। इसलिए हम चाह रहे कि सभी गाँव सामान्य में हो और सभी को लड़ने का अधिकार दिया जाए, चाहे वहाँ एससी वर्ग का व्यक्ति लड़े, चाहे ओबीसी वर्ग का लड़े, चाहे सामान्य वर्ग का लड़े। इसलिए सरकार की नीति और नियत में खोट है। देखो मैं आज इस पंचायत में ये भी निर्णय लिया गया पूर्ण रूप से कि इस बार का जो चुनाव होगा, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो प्रधान पद का दावेदार हो, चाहे बीडीसी का दावेदार हो, चाहे जिला पंचायत का दावेदार हो, यदि किसी भी गाँव में वो शराब वितरित करता हुआ पकड़ा गया या उसने शराब जैसी कोई शिकायत आई या दावतों जैसी कोई शिकायत आई तो उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करा जाएगा, उसे गांव में कोई वोट नहीं मिलेगी। देखो भारत की संस्कृति है, भारत में सरकार भी कह रही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम इसका स्वागत करें, लेकिन हम चाहें कि बेटियों का सम्मान भी भारत में रहे और वो सम्मान तब रहेगा जब वो भारत की संस्कृति को अपनावेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में और हमारे परिवारों में लड़कियां जींस पहनें और वो जींस पहन के बाहर जावें।
हमारा ये कहना कि वो भारत का जो परिधान है उसे धारण करें, और जो लड़के गांव में हाफ नेकर पहन के फिरें या तहमंद पहन के फिरेंगे, अब उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार भी करा जाएगा, और यदि वो नहीं मानेंगे तो उन्हें दंडित भी करने का काम समाज करे। देखो हमने आज एक घोषणा कर दी, कोई नहीं चाहता कि उसकी लड़की जींस पहने। यदि वो किसी गलत व्यवस्था में या शहर की व्यवस्था या उस हाई स्टेटस की व्यवस्था को देख के गाँव के कल्चर को वो समाप्त करना चाहा, तो उस परिवार से हम पहले कहेंगे कि वो उसे मनावे, और यदि नहीं मनाते तो उस परिवार को भी इसके लिए दंडित करा जाएगा। दंड तो है, सामाजिक दंड बहुत है भाई। अगर वो नहीं मानते तो ठीक है, वो अपना सामाजिक बहिष्कार झेलने के लिए तैयार रहे। सामाजिक व्यवस्था सिर्फ समाज से चले, उसमें कोई सरकारी दंड नहीं है, कोई उन्हें हम जेल नहीं करवा सकते, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करवा सकते। हम कह रहे हैं कि समाज उनसे दूरी बनाने का काम करेगा और समाज की किसी व्यवस्थाओं में उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। देखो वैसे तो किसी स्कूल में मैं नहीं मानता कि सब में ड्रेस हैं, ड्रेस कोड है। ये एक व्यवस्था बनाई गई थी कि स्कूलों में जाके कॉलेजों में जाके एक व्यवस्था को संपूर्णता प्राप्त हो। संपूर्णता कैसी कि यहाँ एक करोड़पति का लड़का भी उसी यूनिफॉर्म में आवे जिसमें एक गरीब का बच्चा जा। स्कूलों में ये व्यवस्था है, और मात्र जो स्कूल अपनी पब्लिक सिटी करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे उनसे भी हम ये प्रार्थना करेंगे कि वो या तो इसे बंद करें, नहीं तो उनमें भी हम अपने बच्चों को जाने से पूर्ण रूप से रोकने का प्रयास करेंगे।